साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज कम से कम 1.5 घंटे का टाइम दिया और पूरे हमारी जो यूनाइटेड कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फोरम है जिसमें पूरे कश्मीर के हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रेसिडेंट, हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा जो हैं जहाँ पे हमारी इलेक्शन से जो हैं वो मैंडेट आते हैं, 65 मैंडेट होते हैं, वो फिर वो इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बनाते हैं, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट इनमें थे, और हमारे जितने भी DDC जिस तरह हमारे त्राल से, जिस तरह हमारे रफियाबाद से जो हमारे DDC जीते हुए हैं, और हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग, आज हम सारे यूनाइट होके हमारी जो मंगें थी, जो हमारी कुछ मंगें पिछले 70 साल से पेंडिंग थी, जिनके लिए हम काफ़ी बार गवर्नमेंट को हमने बोला है कि जो कश्मीर का सिख है इसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आज इसको सीरियस लिया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे मंगे रखी हैं, जिस तरह मिनोरिटी कमीशन जो है वो पूरे कंट्री में लागू है, यहाँ तक आज तक कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो सिख रह रहे हैं उनको मिनोरिटी कमीशन का स्टेटस नहीं मिला है, और एक वो हमने आज बात की कि हमें वो स्टेटस मिलना चाहिए, और कोई भी रिजर्वेशन, जिस तरह किसी अभी जिस तरह एक रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो हमने जो हमारे कश्मीर में, खासकर जो कश्मीर में सरदार लोग रहते हैं उनके लिए हमने रिजर्वेशन की बात की है, और एक डिलिमिटेशन का जो अभी एक सिस्टम चल रहा है, हमने उसमें डिलिमिटेशन में रिजर्वेशन मांगी है, और हमारे 11 पॉइंट हैं, जिस तरह हमारे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, उनको हमने अपग्रेडेशन की बात की है, और जो और पैकेज की हमने बात की है, और हमने एक एडवाइज़र की बात की है कि पूरे कम्युनिटी में, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में एक किसी को एडवाइज़र बनाया जाए, और इससे पहले क्या हमारा एक सर्व सिलेक्शन बोर्ड में मेंबर होता था, इस हुकूमत मतलब 2 साल से हमारा जो मेंबर है वो भी नहीं है, कि हमारा एक सर्व सिलेक्शन बोर्ड में मेंबर होना चाहिए, उसको दोबारा से जो हमारा मेंबर होता था उसको दोबारा से लिया जाए, और पंजाबी लैंग्वेज को, जो इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज जो है हमारी जम्मू कश्मीर में, जो एक बड़ी दुख वाली बात है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई और सिख भाई, जो हमारे शायर हैं, जो हमारे लोग हैं जो पंजाबी पढ़ते हैं, तो वो पंजाबी को भी इन्होंने यहाँ से लैंग्वेज से निकाला गया, क्योंकि जो हमारे लोग हैं जो अभी टीचिंग लाइन में हैं, हमारे स्कूलों में बच्चों को पंजाबी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वो लोग आगे जाके अपने गुरसिक्खी के साथ जुड़ेंगे नहीं, वो एक बड़ा समस्या का विषय हमारे लिए, तो हमने वो भी रिक्वेस्ट की है। तो ये काफ़ी हमारी जो गहरा जो हमारी जो है डिमांडें हैं वो हमने गवर्नमेंट से मांगी हैं, और अब हमें LG मनोज साहबा ने, मनोज सेना साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि हम आपके कुछ काम बड़े जल्दी कर देंगे, जिस तरह रिजर्वेशन की बात की उन्होंने, मिनोरिटी कमीशन की बात की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी कश्मीर की जो हमारी सिख वसू हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, उनकी पूरी उम्मीद है कि हमारी कुछ जो है वो सुनवाई इस बार हो जाएगी, नहीं तो जिस तरह हम एक मास जो हमारा जो है एक माइग्रेशन चल रही है यहाँ से कश्मीर से, तो एक नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है, जिस तरह बाकी हम चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में, तो जिस तरह उनके लिए ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज में नौकरियां दे रहे हैं, हमने ये भी मांग की है कि हमारी जो सिख जो नॉन माइग्रेंट सिख हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे सोचा जाए और कोई पैकेज रखा जाए, तो हमें पूरी एक उन्होंने विश्वास तो दिलाया है, अब हम इसीलिए जो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यूनाइटेड कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फोरम, जो पूरे कश्मीर के लोग इसमें हैं, हर एक जत्थेबंदी है इसमें जो, और ये एक नॉन पॉलिटिकल जो विंग है, इसमें कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, और ये सिर्फ एक हमारे कश्मीर के लोगों की सेवा के लिए है, जो जो आज पहली बार जब भी कोई डेलीगेशन बाहर से आता था तो यहाँ के सिखों को भी निगलेक्ट किया जाता था, और ये इस फोरम से क्या आज के बाद कोई भी फोरम बाहर से आएगी तो उनको हमारे से बात करनी होगी, ताकि जो हमारे मसले हैं वो हाईलाइट हों और इन पर काम हो। बाकी मैं अपने दिल की तरफ से, अपने दिल से आप सब मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ, और क्योंकि आप हमारी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाते हो और उन पे आप काम करते हो ताकि हमारी जो मंगे हैं वो पूरी हों। बाकी मेरे साथ प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, ये भी 2 मिनट कुछ बोलेंगे, हमारे प्रेसिडेंट और हमारे अवतार सिंह जी हैं, तो ये भी 2-2 मिनट के लिए अपनी जो बातें हैं वो सामने रखें। प्रबंध कमेटी डिस्ट्रिक्ट बारामूला, आज हम गवर्नर साहब से मिलने आए थे और गवर्नर साहब ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सुना, और जितनी भी हमारा मेमोरेंडम था हमने उनको पेश किया, उस मेमोरेंडम को उन्होंने पढ़ा और पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने हमारे साथ हमें आश्वासन दिया कि इन सात तमाम पॉइंट्स पर हम गौर करेंगे, जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे, जो हमसे नहीं हो जाएगा वो हम हिंदुस्तान के ऊपरले आइन में यानी पार्लियामेंट को भेजकर उनके वो देखेंगे कि कैसे ये कुछ प्रोग्राम जो हैं यहाँ इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं।
हमने उनको कहा कि हम एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी हैं और पिछले 30 साल से एक कानून पास हुआ है हिंदुस्तान में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का, तो आज तक हमें सरकारों ने वो माइनॉरिटी कमीशन नहीं दिया और ना ही किसी माइनॉरिटी कमिश्नर को यहाँ बैठाया या बनाया, जबकि सारे हिंदुस्तान में लोग माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो ले रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर का सरदारी जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं ले रहा है। तो हमने वो गवर्नर साहब से उस बारे में बात की, गवर्नर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई आपकी तो लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं गवर्नर साहब को आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जब पिछले 70 साल से हमारे काम ही नहीं होता, हर साल एक लिस्ट में एक ना एक पॉइंट ऐड होता जा रहा है और अगले साल ये लिस्ट और बड़ी हो जाएगी और 10 साल के बाद ये लिस्ट उससे भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे काम ही नहीं हो रहे हैं, हम लोगों के साथ एक सौतेली माँ जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी स्लो माइग्रेशन हो रही है, बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं बाहर जाकर जॉब्स करते हैं और जब वो बाहर जाकर जॉब्स करते हैं तो अपने माँ बाप को साथ ले जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो, आपने भी देखा है, आप मीडिया वाले हो, हमारे घरों को ताले लग रहे हैं और हमारे घर जो इस वक्त बंद हो रहे हैं, तो ये जो है यही एक दुखदायक बात है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से सो माइग्रेशन करनी पड़ेगी और ये कश्मीर जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत चाहते हैं, इस भाईचारे को हम बहुत चाहते हैं, कश्मीर का मुसलमान आपको सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, कश्मीर का मुसलमान भाई जो है अगर आप ढूंढने से भी ढूंढो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, तो इनके साथ हम प्यार से रहते हैं, हम इनके साथ हमने हर इनके प्रोग्राम के साथ हमने साथ दिया, अब इनको भी हमारे साथ साथ देकर कश्मीर में हमें यहाँ बसाना है। थैंक यू सर।